A news update sponsored by RS Academy, second floor, Ramagovan Palace, Sirmau Chauraha, Rewa. नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। पुत्र की हत्या के बाद आरोपियों को सजा दिलाने पुलिस की दहलीज में भटकने को मजबूर हैं परिजन। आपको बता दें, 25 दिन पहले हुई हत्या के बाद आज तक एक भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, जबकि परिजनों ने नामजद शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बावजूद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं, जिसके बाद आज रीवा ADGP के पास पहुंचकर परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई और आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों ने बताया कि सीधी जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत कुकड़ीझर निवासी सुजीत सिंह की हत्या गाँव के ही आरोपियों केदार सिंह, रणमत सिंह व उनके परिवार द्वारा कर दी गई थी। मृतक सुजीत सिंह वाटर प्लांट का संचालन करते थे। रात करीब 12 बजे वे घर से भोजन कर प्लांट के लिए निकले थे। किसी भी घटना से अनजान परिजनों को देर रात अस्पताल से उनके गंभीर घायल होने की सूचना मिली। इस दौरान परिजन सीधी से रीवा और फिर रीवा से प्रयागराज इलाज कराने पहुंचे, जहां 7 मई को उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक को आरोपियों ने अपनी लड़की के द्वारा घर मिलने के लिए बुलाया और वहां मारपीट कर उसे घर के दूसरे मंजिल से फेंक दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। परिजनों ने कहा कि सुजीत की मौत के बाद पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों पर हत्या का अपराध दर्ज किया, जबकि घर में अन्य लोग भी मौजूद थे। घटना के बाद से आज दिनांक तक आरोपी फरार है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी और पुलिस लगातार सिर्फ आश्वासन दे रही है, जिसके चलते आज ADGP KP वेंकटेश्वर राव रीवा को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। जी हाँ, आप यहाँ DGAP साहब के यहाँ एडिशनल DGP बैठने लगे हैं, वहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। मेरे भतीजे का घर मृतक सुजीत सिंह 7 तारीख से 302 कायम हुआ है और अभी तक जो है तो कोई भी कार्यवाही और गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उस संबंध में साहब के पास मैं निवेदन करने आया था कि भाई अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, और साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन के अंदर, 2 दिन SP साहब से बात भी किए हैं सीधी जिले के, और बोले हैं कि 2 दिन के अंदर हम गिरफ्तारी करवा ले रहे हैं। पूरा मामला एक्चुअली देखिए क्या है कि पहले तो आदमी को जानकारी नहीं होती, जब जानकारी घटना घटित हो गई तो हम लोग पहले तो ये 30 अप्रैल रात यानी 1 मई की बात आया है। 1 मई को लगभग 2:30 से 3 बजे जानकारी अपने को मिली 100 नंबर वाले पुलिस वाले डाल किए हॉस्पिटल से कि आपका भतीजा सुजीत सिंह जो है हॉस्पिटल में पड़ा है, काफ़ी गंभीर स्थिति में है। और हम लोग जिसे जानकारी मिली 3 बजे हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से लेके हॉस्पिटल से मतलब रीवा हॉस्पिटल पहुँचे, यानी जिला चिकित्सालय सीधी से रीवा हॉस्पिटल के लिए लेके आए, काफ़ी गंभीर अवस्था में था। फिर प्रक्रियाएँ बढ़ती गई, वहाँ आपका इलाहाबाद लेके भर्ती थे, वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह हुआ। 6-7 दिन बाद जो है तो आखिरकार घटना हुई कि ख़त्म हो गया मेरा भतीजा सुजीत सिंह। अब इसके जी हाँ, वीडियो वगैरह जो सामने आया वो केदार सिंह और रणमत सिंह के घर में जो CCTV में TV कैमरा मिला था उसके द्वारा उसमें मिला गया है। उसके अलावा भी अभी उसमें उनके यहाँ घर में 16 कैमरे थे, 16 कैमरे में अभी मानी जो अपने थाना इंचार्ज महोदय हैं उनके द्वारा केवल एक ही अभी तक वीडियो दिखाया गया है और अन्य वीडियो उनके पास ही हैं अभी, तो उसको जो है अब बाकी आगे यही निवेदन आदमी कर रहा है। पहले SP साहब के पास गए थे सीधी, उनके द्वारा आश्वासन मिला, 2-4 दिन बीत गए, तब फिर हम अब यहाँ पे ADGP साहब के पास निवेदन करने आए। भाई हमें कहते हैं कि जब 302 कायम है तो आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। हम कहते हैं आरोपी और भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, हमारे घर के सदस्यों को और भी किसी को मार देते हैं। भाई एक दूसरे से हम कहते हैं, ठीक डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं पर कहीं ना कहीं से सब मैसेज कर रहे हैं कि भाई हम बाहर हैं और किसी को भी मार देंगे। तब ये कहते हैं भाई कोई दूसरी और घटना हो जाएगी तब हमारे साथ पुलिस प्रशासन खड़ा होकर उनको पकड़ने जाएगा, इसलिए साहब के पास आए हैं। इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वे 2 दिन में हम पकड़ लेंगे। कौन से थाने का मामला? A news update sponsored by RS Academy, second floor, Ramagovan Palace, Sirmau Chauraha, Rewa.